बहुत सी हमारे घर में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिसका हम यूज ही नहीं करते हैं और हम समझते हैं ये चीज़ बेकार है और उसको फेंक देते हैं। तो क्यों ना हम थोड़ी सी मेहनत से क्रिएटिविटी करके उनको एक नया रूप दे सकते हैं। हमें ऑनलाइन या मार्केट की बजाय जो संभव हो सके तो उन चीज़ों को घर पर ही बनाना चाहिए, जिससे हमें भी खुशी महसूस होती है। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्सी की दुनिया में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लकड़ी के टुकड़ों से एक सुंदर सा DIY वुडन वॉल हैंगिंग। इसके लिए हमने कुछ लकड़ी के टुकड़े लिए हैं, इनको सैंड पेपर की हेल्प से इस तरह से घिस के एक समान कर लेना है। अभी लकड़ी का एक्स्ट्रा पार्ट निकला होता है उसको हटा देना है। अब हम लकड़ी के टुकड़ों पे इस तरह से कलर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर वॉल पेंट का यूज़ किया हुआ है, मेरे घर पर रखा हुआ था। जब भी आपके घर में कलर हो तो आप इसी तरह से एक बोतल में भरकर रख लेते हैं वॉल पेंट को, तो ये कई सालों तक चलता है। मेरा कई सालों से रखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। सबसे पहले हम इन पर 1 ही कोट करेंगे, जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तब इस पर दूसरा कोट कर लेंगे। इस तरह से सभी पर कलर कर लेंगे, सूख जाने के बाद दूसरा कोट कर लेंगे। और ये देखिए मेरा बाबू पता नहीं बीच में क्या क्या कर जाता है और मैं कलर करने में मस्त हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। ये देखिए, तो बच्चों के साथ इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता काम करना, पर जब ये चीज़ बनती है तो बड़ी खुशी होती है। ऐसे DIY बनाने के लिए 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हों, उनको संभालना हो और अपना काम भी करना हो तो टाइम तो लगता ही है, ज़्यादा भी लग सकता है। इसे कलर सूख जाने के बाद इस पर ड्रॉ कर लेते हैं जो भी हमने बनाना है, अपनी मनपसंद चीज़ कोई भी इस पर लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाता है, जरा सा भी इधर उधर निकल गया ना तो गड़बड़ हो जाती, सब बेकार हो जाता है। इसलिए बिल्कुल सावधानी से ही तरह से लिखना चाहिए। इसी तरह से सभी पर लिख लेंगे, बिल्कुल सावधानी से ही बनाना है।
यहाँ पर मैंने पहले से ही टसल्स बना के रख लिए हैं। मैंने अपने वीडियो में पहले से ही टसल कैसे बनते हैं वो बनाना सिखाया है। तो अब हम सुई में इस तरह से गांठ लगा के धागे को इस तरह से बीच में से हटा के इस तरह से हम सुई को निकाल लेंगे और हमारा जो धागा की गांठ है वो दिखेगी नहीं, बिल्कुल क्लीन बन जाएगा। इस तरह से मोती डाल के अब इस पर लगा लेंगे। ये मैंने क्रोशिया से इसकी ऊपर की पट्टी बुनी हुई है, इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं, सिल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से इसको चिपका लेंगे सभी को। ये देखिए कुछ इस तरह से पीछे से लग रहा है और आप इस पर भी कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मन पसंद वॉल हैंगिंग बना सकते हैं इसी तरह से। और ये बनके तैयार हो गया है, ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसी तरह से आप मन पसंद तरीके से आप अपने इसी तरह से क्रिएटिविटी कर सकते हैं और अपने वॉल को सजा सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, इसमें कुछ भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल होती है उसको ज़रूर बजा देना है, यानी कि दबा देना है, और ऑल लिख के आएगा उसको भी दबा देना है, जिससे कि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें और अपनी फैमिली का और अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं एक और न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।